प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पीयूष प्रवाह जो हमारी सहायक पुस्तक है उसे शुरू कर रहे हैं। प्रथम पुस्तक हमारी पूर्ण हो चुकी है। इसमें पहला अध्याय है उसने कहा था। ये कहानी है, कथाकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले कथाकार का परिचय लेते हैं। गुलेरी जी का जन्म 1883 में और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई। इनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में ही हुआ है। बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इसके अलावा इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध और साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था, ये हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अतिरिक्त सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीन ही कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। कछुआ धर्म, मारेसी मोई कुठाव, ये इनके निबंध संग्रह है। समालोचक एक मासिक पत्रिका है, उसका संपादन इन्होंने किया है। नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी में स्थित थी, उनके संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया है। ये एक कहानी है, उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 ईस्वी के बीच हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। इसके कथानक में प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा केंद्र में है। अमृतसर का बाजार है, उस बाजार का दृश्य, एक बालक बालिका जो बहुत छोटे हैं, बाल सुलभ उनका निश्चल प्रेम है। महायुद्ध का वातावरण, किस तरह की भयानकता उस समय थी, और लहना सिंह ने कैसे अपना आत्म उत्सर्ग किया, अपना बलिदान किया, इन सब का वर्णन इस कहानी में है। कहानी का प्रारंभ है, उसमें हम देखते हैं प्रेम और कर्तव्य के विकट पथ को ये पार करती हुई मृत्यु सैया पर जाकर के समाप्त होती है। यह उत्सर्ग यानी बलिदान प्रेम वेदना से जनित नहीं है, ये तो कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्द जो गांवों में ग्रामीण लोग प्रयोग में लेते हैं, उनके साथ साथ यथार्थ इसमें वर्णन भी है। उत्कट भाव व्यंजना है। वास्तव में इन सब के कारण ये कहानी बड़ी ही प्रभावी है। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। पहला इस कहानी का भाग है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले जो घोड़े जिन्हें चलाते हैं, तांगा भी हम बोलते हैं, इक्के गाड़ी वालों का अर्थ है तांगे वाले हैं, उनकी जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, जो आगे पैदल चल रहे हैं, पीठ के पीछे से वे तांगे वाले तांगा चलाते हुए आ रहे हैं, और उनकी जवान है बड़ी कठोर है, पता नहीं सामने पैदल चलने वाले जो हैं उनको क्या क्या कहते हैं, और सुनने वाले के बेचारे के कान पक गए हैं। उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावे।
अर्थात अमृतसर में जो बंबू कार्ट में जो गाड़ियां चला रहे हैं, तांगे चला रहे हैं, उनकी बोली बड़ी मृदुल है, मीठी है। उनसे पूरे देश में जहां भी लोग ये तांगा चलाते हैं वे सीख लें, उनसे सीखें और मधुर वाणी ही बोलें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, घोड़े की पीठ पर चाबुक मारते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, अर्थात कभी उन्हें कहने लगते हैं तुम्हारे आंखें नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, इस प्रकार बोलते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चीत करके अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और कभी तो उनके पैरों के ऊपर से ही वे तांगे को ले जाते हैं। और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ, दुख के अवतार बने नाग की सिद्ध में चले जाते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, अपने तांगे को इधर उधर नहीं करते, भले पैदल चलने वालों को उनसे कितना ही कष्ट हो जाए। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, उनकी जैसे तांगे चलाने वाले, तंग और चक्करदार गलियों में भी, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, फिर भी हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर करके सब्र का समुद्र उमड़ा करते हैं। अर्थात कोई लड्डी वाला, ठेले वाला सामने आ जाता है तो स्वयं अपने तांगे को रोक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं उसके पार होने का, और उन्हें बड़ी मीठी वाणी में कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह यानी बादशाह, यहाँ तक कि उसे बादशाह कहकर भी वे सम्मानित करते हैं, संबोधित करते हैं। ऐसे वो कहते हुए अपने सफ़ेद फेंटो का अर्थ है साफा, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खोज लेते हैं। अर्थात कभी वहाँ अमृतसर है तो सिख लोग जो साफा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उनके बीच से, कभी खच्चर बतख जो पालतू बतख हैं वो कभी उन गलियों में आ जाती हैं, गन्ने और खोमचे कुछ सामान बेचने वाले जो होते हैं, ये कोई भार वहन करने वाले हैं, सिर पर वजन रख कर के और सामान रख कर के बेचने वाले हैं, इन सब के बीच में से भी ये अमृतसर में जो तांगे चलाते हैं वे अपना मार्ग बना लेते हैं और बड़ा प्रेम से बोलते हैं, क्या मजाल है जी और साहब के बिना सुने किसी को उठना पड़े, सबको जी और साहब कहकर वो संबोधित करते हैं। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, चलती तो है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी यानी चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, रास्ता नहीं देती है, तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। अगर वो बुढ़िया रास्ता नहीं देती बार बार कहने के बाद भी, तो भी वे किस प्रकार से उसे बोलते हैं, हट जा जीने जोगी, तुम अभी जीने योग्य हो, अभी तुम और जीवित रहोगी, इसलिए हट जाओ, हट जा कर्मा वालिए, तुम बहुत भाग्यशाली हो इसलिए हट जाओ, हट जा पुता प्यारिए, तुम अपने पुत्रों की बहुत प्यारी माँ हो इसलिए हट जाओ, बच जा लंबी उम्रा वालिए, तुम लंबी उम्र वाली हो, थोड़ा बचो, थोड़ा रास्ता दो। इन सब के अर्थ हैं, तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बचो अर्थात अब रास्ता दे दो, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ऐसे बंबू कार्ट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। यही अमृतसर बंबू कार्ट की बात है। यहाँ एक लड़का और लड़की एक दुकान पर बाजार में मिलते हैं। उसके बालों और इसके ढीले
सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो बच्चे के सिर पर बाल थे और इस बच्ची ने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। दोनों की वेशभूषा से, हाव भाव से ऐसा लगा कि जैसे दोनों ही सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वो जो बच्चा था, लड़का था, वो तो मामा के बालों को धोने के लिए दही लेने आया था और ये लड़की थी रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुंथ रहा था। जिस दुकान पर, जिस हलवाई के यहाँ ये आए थे सामान लेने दोनों, वह दुकानदार है वो किसी विदेशी व्यक्ति से उलझ रहा था, विवाद हो रहा था, जो सिर भर एक किलो गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। वहाँ भीड़ ज़्यादा थी और उस परदेसी ने, विदेशी ने एक किलो पापड़ खरीदे थे। उन पापड़ों को वह वहीं खड़ा खड़ा गिन रहा था और दुकानदारों से वहाँ से साइड में होने के लिए, एक तरफ होने के लिए कह रहे थे। ये उनके बीच विवाद चल रहा था। तो उनके बीच जब विवाद चल रहा था तो उसी समय वो बालक और बालिका के बीच बातचीत होने लगती है। लड़का पूछता है, तेरे घर कहाँ है? तो लड़की कहती है, मगरे में। और तेरे? तो वो बताता है कि मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो वह बता रहा है कि यहाँ अतर सिंह जी की बैठक में, वो मेरे मामा जी हैं। लड़की भी कहती है, मैं भी मामा जी के यहाँ। लड़का भी कह रहा है कि मैं भी यहाँ मामा जी के यहाँ आया हुआ हूँ और उनका घर है गुरु बाजार में है। जब इन दोनों बालिक बालिकाओं के बीच बात होती है, ये दोनों अपने अपने मामा जी के यहाँ आए हुए हैं। दुकानदार का विवाद इतनी देर में निपट जाता है और अब वो इनका सौदा देने लगा। अब बच्चा और ये बालिका जो लेने आई थी, अब इनको वो देने लगा। इनको सामान दे दिया जब उसने, तो ये दोनों अपना सामान लेकर के, सौदा यानी सामान लेकर के, दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर के लड़के ने मुस्करा करके पूछ लिया, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। वो तो लड़का पूछता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, पूछता है, तेरी सगाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ा करके और धत ऐसा कह करके दूर जाती है और लड़का मुंह देखता ही रह जाता है। फिर दूसरे तीसरे दिन कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अक्षमात दोनों मिल जाते थे। महीना भर इसी प्रकार से चलता रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिलता था। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की, इस बार लड़के की संभावना के विरुद्ध, क्योंकि लड़के को वही संभावना थी कि आज भी उत्तर ऐसा ही मिलेगा धत, लेकिन आज संभावना के विरुद्ध उत्तर मिला और आज वो लड़के ने कहा, हाँ हो गई। लड़का पूछता है, कब? तो कहने लगी, कल, देखते नहीं यह रेशम से खड़ा हुआ शालू, ये शालू जो मेरे पास है रेशमी, ये उन्हीं की तरफ से मिला है। लड़की ऐसा कहकर के भाग गई है। लड़के ने अब घर की राह ली, वो घर की ओर चलने लगा। रास्ते में, अब देखिए, लड़के ने आज जब प्रतिकूल उत्तर मिला, संभावना के विरुद्ध उत्तर मिला, तो लड़के ने क्या प्रतिक्रिया की आज कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक गड्ढा था उसमें धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुछ छबड़ी में कुछ रख कर के बेच रहा था तो छबड़ी को उलट दिया होगा, एक कुत्ते के पत्थर मारा, रास्ते में कुत्ता ही दिखाई दिया तो उसके पत्थर मारने लग गया, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने से नहा करके कोई आ रही थी वैष्णवी यानी धार्मिक महिला थी, उससे टकरा कर अंधे की उपाधि पा ली। इतना कुछ होने के बाद फिर वह घर पहुंचता है। ये इस कहानी का पहला भाग था।
दूसरे भाग में अब बताया जा रहा है, ये बचपन की बात थी, लेकिन अब दूसरे भाग में प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था अब उसका वर्णन है। हमारे यहाँ भारत देश पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था, हम उस समय परतंत्र थे, गुलाम थे, और यहाँ से हमने अपनी सेना अंग्रेज़ों की तरफ से भेजी थी। और इस समय जो इस कहानी में प्रस्तुत है वह फ्रांस की भूमि, फ्रांस की भूमि पर हमारे सैनिक हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ पर सैनिकों के बीच बातचीत चल रही है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ये प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई की बात चल रही है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई हैं, रात दिन हमें इन खड्डों में खंदकों में बैठना पड़ता है, हमारी तो हड्डियाँ ही अकड़ गई हैं। लुधियाने से, क्योंकि ये जो सैनिक थे वो लुधियाना के थे, लेकिन इस समय फ्रांस में हैं, इसलिए कह रहे हैं कि लुधियाने से 10 गुना यहाँ जाड़ा अधिक है, और मेह यानी बारिश हो रही है, बर्फ ऊपर से और गिर रही है, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, और इन खंदकों में कीचड़ भी भर गया है इस बारिश से, जमीन कहीं भी नहीं दिखती है। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, कहीं बम गिराए जा रहे हैं जिसका कंपन होता है। 100-100 गज धरती उछल पड़ती है, बहुत ज़्यादा धरती में कंपन होता है। इस गैबी गोले से, गैबी का अर्थ होता है शत्रु, ये जो गोला है, बम है, ये हमारा शत्रु है, इससे कोई बचेगा तो लड़ेगा। नगर कोट का जलजला सुना था, नगर कोट का हमने भूकंप है सुना था, वहाँ भी भूकंप आया था, लेकिन यहाँ तो दिन में 25 जलजले होते हैं, यहाँ तो दिन में 25 बार भूकंप आते हैं, अर्थात गोले जब बरसाए जाते हैं तो कंपन होता है, वो भूकंप की तरह ही लगता है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई, यदि इस खाई से बाहर हमारा साफा या हमारे हाथ की कोहनी निकल जाती है तो चटाक से गोली लग जाती है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। सामने जर्मनी वाले हैं जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। लहना सिंह, अब और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, इसका अर्थ हुआ कि उन सैनिकों को लगातार 7 दिन और रात वहाँ ड्यूटी करनी पड़ रही थी, लड़ना पड़ रहा था, और 7 दिन बाद उन्हें रेस्ट दिया जाता था। तो अब उन्हें कहा जा रहा है कि 3 दिन अभी और हैं, 4 दिन तो हमने इन खाइयों में बिता दिए हैं, परसों हमारी रिलीफ आ जाएगी, परसों हमारे लिए आदेश आ जाएगा यहाँ से फ्री होने के लिए, और फिर 7 दिन की हमें छुट्टियाँ मिल जाएगी, अपने हाथों झटका करेंगे, अर्थात हम अपने हाथों से ही ये पशु बलि की बात है, किसी पशु को मारेंगे, पेट भर खाकर सो रहेंगे, ये मांस खाने की बात है कि फिर मांस पेट भर के खाएंगे और सो जाएंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा वहाँ हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। जब भी हम छुट्टियाँ वहाँ उसके बाग में मनाते हैं तो वह खूब खाने के लिए फल देती हैं, खूब दूध भी पिला देती है, हम लाख कहते हैं लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, ये अब लहना सिंह कह रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, अर्थात घोड़ा जो है अगर उसे नियमित घुमाया फिराया दौड़ाया नहीं जाता है, उस पर सवारी नहीं की जाती है, तो कुछ दिनों बाद घोड़ा बिगड़ जाता है, वह नियंत्रित नहीं रहता है,
उसमें वैसी गति और संतुलन नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर सिपाहियों को भी नियमित लड़ने का मौका नहीं मिले, अभ्यास का मौका नहीं मिलता है, तो सिपाही भी अपना नियंत्रण खो देता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। लेना सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो बस मार्च करने का अर्थात आक्रमण करने का हुक्म मिल जाए, बस आदेश मिल जाए, फिर सात जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब नहीं। मैं अकेला सात जर्मनी वालों को मार सकता हूं और ऐसा नहीं कर सकूं तो फिर मैं दरबार साहब जो गुरुद्वारा है उसकी दिल्ली पर मेरा मत्था टेकना भी नसीब नहीं हूं। अर्थात इसे पूरा विश्वास है कि मैं सात जर्मनी वालों को तो अकेला मार सकता हूं। पाजी कहीं के उन जर्मनी वालों को कहा है, कलो के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं। कलो का अर्थ यहाँ मशीन गन है। मशीन गन के जो घोड़े हैं वे जैसे ही लड़ाई शुरू होती है और फिर उनमें से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही वे बंदूक से गोलियां निकलती हैं तो वे जर्मनी वाले मुंह फाड़ देते हैं, अर्थात वे रोने लग जाते हैं, पैर पकड़ने लग जाते हैं। यूँ तो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, अंधेरे में तो वो बहुत भारी भरकम गोले बरसाते हैं, और दिन में जैसे ही हम उनसे लड़ते हैं तो रोने लग जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक भी जर्मन को हमने नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो पता नहीं हम कहां तक पहुंच जाते। तब सूबेदार हजारा सिंह कह रहे हैं, नहीं तो सीधे बर्लिंग ही पहुंच जाते। क्यों? मुस्कुरा करके कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। अर्थात इतनी दूरी तक हम एक तरफ से बढ़ेंगे, हो सकता है पीछे की तरफ दूसरी तरफ से उनके सैनिक आ जाए और हमें घेर लें। एक तरफ बढ़ गए तो उससे क्या होने वाला है। तो लेना सिंह कह रहे हैं, सूबेदार जी बात तो आपकी सच है, पर करें भी तो क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो ये जाड़ा ये सर्दी धंस गई है और सूर्य निकलता ही नहीं है। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। चंबे का अर्थ यहाँ चंबल नदी है। चंबल नदी की जो बावलियाँ हैं वहाँ के सोते यानी झरने, उसमें जैसे झरने झरते रहते हैं चलते रहते हैं, वैसे ही खाइयों में इस बारिश का पानी गिर रहा है। एक धावा हो जाए, एक बार आक्रमण हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ, सिकड़ी में कोले डाल। और वजीरा तुम 4 जनी बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। और महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा अब बदल दो। ये कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह हैं वो पूरी खंदक में अब चक्कर लगाने लग गए हैं। वजीरा सिंह था ये इस पलटन यानी सेना में एक विदूषक था। विदूषक जो हंसी मजाक करने वाला पात्र होता है, तो वजीरा सिंह ऐसा ही था। इस सेना में काफ़ी हंसी मजाक करता था। बाल्टी में गंदला यानी गंदा पानी भर करके खाई के बाहर वो फेंक रहा था। उस समय बोलता है, मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पुरोहित बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, और मैं ये जो पानी फेंक रहा हूँ ये जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर रहा हूँ। अर्थात वो मर चुका है, उसके निमित्त अब ये पानी या जलांजलि मैं दे रहा हूँ। ऐसा जब वो कहता है तो सब हंसने लग जाते हैं और उदासी के बादल अब फट जाते हैं, सबकी उदासी दूर हो जाती है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में भी पानी दे दो, ये फसल इत्यादि करते थे, तो उसके लिए कहा है कि चलो ठीक है, बादशाह जर्मनी के बादशाह का तर्पण तो तुमने कर लिया है,
अब अपने बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहता है हाँ, देश क्या है, ये तो स्वर्ग है। फ्रांस के लिए प्रशंसा कर रहा है, फ्रांस भूमि के लिए वो। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ पर मांग लूँगा, ये कोई माप है जमीन का घुमा। तो कह रहा है 10 घुमा अपने यहाँ बीघा बोलते हैं, तो यहीं पर सरकार से मांग लूँगा और फिर फलों के बूटे यानी बगीचे यहाँ मैं लगाऊँगा। तो लहना सिंह कहते हैं लाड़ी होरा को भी फिर यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम के साथ रहोगे? तो कहता है चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। फिरंगी मैम के लिए बात चल रही है ये कि हम सिख लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, वह सिगरेट देने में हट करती है, जिद करती है, हमारे होठों पर भी ज़बरदस्ती लगाना चाहती है। मैं पीछे हट जाता हूँ तो समझती है कि ये राजा बुरे मान गए होंगे, अब मेरे मुल्क के लिए ये नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बौधा सिंह कैसा है तो बताने लगता है लहना सिंह, वो अच्छा है। कहने लगता है जैसे मैं नहीं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो। बौधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है, तो हजारा सिंह को सब कुछ पता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम अपने कंबल उसे उड़ाते रहते हो और स्वयं सिगड़ी के सहारे से तुम गुजर कर रहे हो, उसके पहरे पर स्वयं पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्त पर उसे सुलाते हो, स्वयं कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ने मांदे पड़ जाना, मांदे पड़ना बीमार हो जाना, कहीं तुम बोधा सिंह की देखरेख करते करते स्वयं बीमार मत हो जाना। जाड़ा क्या है, ये तो मौत ही है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मुरब्बे का अर्थ है उपजाऊ भूमि। अगर तुम बीमार होकर के मर जाओगे तो यहाँ की सरकार तुम्हें इनाम में कोई उपजाऊ भूमि नहीं देगी, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो अब लहना सिंह कहते हैं मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। अपने अमृतसर की बात कर रहे हैं। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन की आम के पेड़ की छाया होगी। छोटे भाई का नाम कीरत सिंह है, लहना सिंह के छोटे भाई का। वो कह रहे हैं कि मेरा तो ये संकल्प है कि जो आम का पेड़ मैंने लगाया है उसी आम के पेड़ के नीचे और अपने भाई कीरत सिंह की गोद में ही मेरी मृत्यु होगी, यहाँ जर्मनी वालों से मैं मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा लहना सिंह कह रहा है। अब कहानी का तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दोपहर रात बीत गई है, अर्थात रात को 12 बजे के लगभग का समय हो गया है। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछा करके और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बर कोट यानी ऊपर पहनने वाला ओढ़ने वाला ये कोट होता है, ओढ़ करके सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, क्योंकि बोधा सिंह बहुत बीमार है तो बाहर भी निगरानी पहरेदारी कर रहा है, तो बाहर भी ध्यान रखना पड़ रहा है और अंदर खाई में जो बोधा सिंह लेटा हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ रहा है। बोधा सिंह कराहता है, क्यों बोधा भाई क्या है, लहना सिंह ने पूछा। तो बोधा कहता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पी करके वह बोधा सिंह बोलता है,
कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, बहुत तेज सर्दी लग रही है मुझे, दांत भी बज रहे हैं। तो कहता है अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, मेरा स्वेटर पहन लो तुम। तो बूढ़ा कहता है और तुम क्या पहनोगे। लैना कह रहा है मेरे पास सिगड़ी है और मुझे तो बहुत गर्मी भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। तो बूढ़ा सिंह कहता है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो कहता है हाँ याद आई, मेरे पास एक दूसरी गर्म जर्सी है, ये भी लहना सिंह झूठ बोल रहा है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन करके भेज रही है मैं में, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार करके जर्सी उतारने लगता है बूढ़ा को पहनाने के लिए। तो बूढ़ा पूछता है सच कहते हो, तो उत्तर मिलता है और नहीं तो क्या झूठ। यूँ कहकर ना ही करते हुए बूढ़ा को उसने ज़बरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और स्वयं खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन करके पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा तो केवल कथा ही थी, वास्तव में ऐसा कोई स्वेटर नहीं था। अब आधा घंटा और बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई सूबेदार हजारा सिंह। तो कौन, लप्टन साहब, ऐसा सूबेदार बोलता है अंदर से। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तन करके फौजी सलाम करके सामने हुआ। सूबेदार हजारा सिंह है, वह सामने जाकर सलाम करता है, ये जो आया है ये कोई छद्म वेश धारण करके लप्टन साहब का जर्मनी वाला ही आया है धोखा करने के लिए, लेकिन सूबेदार उसे पहचान नहीं पाते हैं। वो कहने लगता है देखो इसी समय धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा है यानी ज़्यादा अधिक जर्मन नहीं है, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट करके एक रास्ता है, 3-4 घुमाव आएंगे और जहाँ मोड़ आएगा वहाँ 15 जवान में खड़े करके आ गया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ करके बाकी सबको साथ लेकर के और उनसे जा करके मिलो, खंदक जर्मनी वालों की छीन करके जब तक मैं दूसरा आदेश नहीं दूँ, हुक्म नहीं दूँ, तब तक वहीं रहना और तब तक हम यानी मैं यहाँ रहूँगा। सूबेदार कहता है जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बूढ़ा भी कंबल उतार करके चलने लगा, लहना सिंह ने उसे रोक लिया। लहना सिंह आगे हुआ तो बूढ़ा की ओर इशारा किया, लहना सिंह समझ करके चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर भी बड़ी हुज्जत हुई, सब लड़ने के लिए जाना चाह रहे थे, यहाँ कोई भी रुकना नहीं चाह रहा था, इसलिए उनमें विवाद हुआ, कोई रहना ही नहीं चाहता था, समझा बुझा करके सूबेदार ने मार्च किया यानी सैनिकों को लेकर वहाँ से सूबेदार रवाना हो गए। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर करके खड़े हो गए, सिगड़ी की तरफ मुँह नहीं करके और दूसरी तरफ सिगड़ी की तरफ पीट करके खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकाल करके सुगलाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा करके कहा लो तुम भी पियो, जबकि जो वास्तविक लप्टन साहब थे वे जानते थे कि ये सिख लोग हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ये फर्जी है, इन्हें पता नहीं है, ये सिगरेट पीने के लिए देता है। आँख मारते करते लहना सब समझ गया, आँख मारते करते इशारों में लहना सिंह समझ गया कि कोई फर्जी लप्टन साहब बनकर आ गए हैं, लेकिन अपने मुख के भाव छिपा करके बोल रहा है लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिकड़ी के उजाले में साहब का मुख देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका, तब उसके समझ में आ गया कि लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल थे, एक दिन में वो कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों कैसे ये बहुत ही कटे हुए और छोटे बाल कहाँ से आ गए, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया होगा, लहना ने जांचना चाहा। अब लहना वास्तव में जांच कर रहे हैं कि ये लप्टन साहब फर्जी है या वास्तविक है,
क्योंकि लप्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में ही थे। तो पूछता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो वह कहता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं है? तो कहता है, नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ हैं। एक फर्जी कहानी अब लहना सिंह उसके सामने रख रहा है। याद है पारसाल, पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे। वो कहता है, हाँ हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते का अर्थ है गधा, और आपका खानसामा अब्दुल्ला था और रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो फर्जी लप्टन साहब कहते हैं, बेशक पाजी कहीं का। देखो जगाधारी ज़िले में शिकार करने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी लप्टन साहब हाँ हाँ कर रहे थे। गधे पर बैठने की बात है, फिर भी लप्टन साहब नहीं समझ पा रहे हैं। खानसामा अब्दुल्ला है, मुस्लिम है, मंदिर में जल चढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी लप्टन साहब इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर वो आगे रहना सिंह कहते हैं, सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी गोली कंधे में उसके लगी थी और पट्ठे से उसके पुट्ठे से यानी पिछली तरफ से आर पार निकल गई थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा ही कुछ और है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। अब यहाँ पर नील गाय की बात है, उसके गोली लगने की बात है, लेकिन सब को हाँ हाँ कर रहा है लप्टन साहब। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि उसे रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। वो कहता है, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया है, ऐसे बड़े बड़े सींग दो दो फुट के तो होंगे। तो कहता है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, लेकिन तुमने अभी सिगरेट नहीं पी? तो कहता, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, माचिस ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खनक में घुसता है। अब उसे संदेह नहीं रहा था, वो समझ गया था कि फर्जी लप्टन साहब है। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए, तुरंत निर्णय ले लिया। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराता है। कौन? वजीरा सिंह, यानी वह टकराता है और वहाँ से उत्तर आता है, कौन वजीरा सिंह? तो कहता है, हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है, जरा तो आँख लगने दी होती, अभी तो मैं सो ही रहा हूँ, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? ऐसा वजीरा सिंह पूछता है। और इसके बाद आगे चौथा कहानी का भाग शुरू हम करेंगे।